नजम साहब, यूथ की हम बात कर रहे थे, एक बच्ची की कॉल भी आ गई थी अभी, आमिर साहब हैं टोरंटो से, वो ये पूछ रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो कंट्रोल में नहीं रहते, जी तो फिर क्या पेरेंट्स क्या करें, खास तौर पे इन मुल्कों में रह के, चूंकि कल्चर दूसरा है, स्कूलों में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उनका जो सोसाइटी का एक असर है, स्कूल कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का एक असर होता है उन पे, तो बच्चे काबू में नहीं रहते, तो क्या करें, पेरेंट्स क्या करें? जी सर, So what would you say? How to control them? Because when they grow up, go to university and all. वैसे आपस की बात है, यूनिवर्सिटी तक तो बहुत देर हो चुकी होती है. हिदायत तो किसी वक्त भी अल्लाह दे सकता है, लेकिन उसके लिए बुनियाद पढ़ना बहुत जरूरी है. हमने भी बहुत सारा टाइम ऐसा गुजारा है जो बड़ा मिसाली नहीं था, कोई एग्जाम्पलरी नहीं था, लेकिन जो उससे पहले का टाइम था, जो बचपन का टाइम था, जिसमें जो बुनियाद पड़ी थी, उस बुनियाद ने एक गिल्ट अंदर जरूर क्रिएट कर दिया था कि वो जो क्लैश होता है. डेंजरस सिचुएशन ये है जिस जगह पर आप हैं, इवन पाकिस्तान में भी, कि जब शुरू की बुनियाद और क्लैरिटी नहीं मिलती बच्चे को, और जब वो स्कूल कॉलेज तक पहुंचता है तो वहां जाके वो न्यूट्रलाइज हो जाता है कि सब ठीक है, किसी का दिल ना दुखाओ, एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनो, और क्लीन लाइफ गुजारो. लेकिन उसमें जो आप चाह रहे हैं, एक जो दीन की, एक जो कल्चर की, जो एक खास जिस चीज के आप आदी हैं, एक फर्मा बरदारी है, एक रिस्पेक्ट है, एक रोल मॉडल आप देखना चाहते हैं उसको, वो उसकी गारंटी नहीं है. फिर बहुत अच्छे बच्चे हैं, जहां भी मैं गया हूं, जिस फैमिली में भी गया हूं, जहां पे भी, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, इस्लामिक सेंटर्स में भी बच्चे आते हैं, कभी कभी उनको जबरदस्ती भी लाए होते हैं पेरेंट्स, लेकिन बहरहाल वो सामने तो आते हैं, और जब उनसे बात शुरू होती है तो वो इंगेज हो जाते हैं. कई दफा मैंने ऐसे किया है कि मैं बच्चों के साथ बैठ गया हूँ, हम सब ने कुरान खोल लिए हैं, ताहिर वो इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हम इंग्लिश कुरान खोल लेते हैं, अरबिक एंड इंग्लिश, और मैंने एक्सप्लेन करने की बजाय, उनको लेक्चर देने की बजाय, मैंने कहा कि लेट्स डिस्कस दिस आयत, आई वॉन्ट टू नो वॉट यू अंडरस्टैंड. तो वुड यू बिलीव कि 7 साल के बच्चे से लेकर 15-16 तक सबने इतनी जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दी उस आयत की कि आप हैरान हो जाते हैं कि क्या बड़े देंगे. और ऐसा भी कई दफा हुआ कि बड़े नहीं दे पा रहे थे एक्सप्लेनेशन, बच्चे दे रहे थे, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं बहुत सारे, बच्चा बिल्कुल प्योरली आयत को देख रहा होता है कि क्या कह रहा है मुझसे. हुआ ये कि हमने एक टाइम, वो होता है जैसे अभी हमारी 4 साल की है लैला, ठीक है, तो वी आर वेरी लकी कि हमारे पास एक रेगुलर सिस्टम है जहां से हमें एजुकेशन मिलती है, तो एवरी संडे लायला उस पे सुनती भी है थोड़ा सा, अभी उसका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन कम है, ठीक है, कुछ लायला ने आयात याद की है, कुछ हदीस याद की, शी इज ओनली 4 इयर्स ओल्ड, लेकिन उसको पता है कि घर में एक किताब है जिसको वो कहती है अल्लाह बुक. अच्छा, उसको वो रोज खुलते हुए देखती है, हमें हमारी स्टडी क्लास होती है उसमें देखती है कि अम्मा अब्बा ने खोली हुई है. अच्छा, उस किताब की वो रिस्पेक्ट भी देखती है, वो तो हमारे हर घर में होती है. अब जब बच्चा कोई चीज डेली इस्तेमाल होता हुआ देख रहा है तो वो इंक्विजिटिव हो जाता है, बजाय कि एक चीज शेल्फ पे पड़ी हुई है और उसकी हम सुबह सुबह एक सिपारे की तिलावत करके वापस शेल्फ पे रख देते हैं. यहां का जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं वो उससे इंस्पायर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हो सकता है अरेबिक भी ना आती हो, और अगर अरेबिक उसको आपने अरेबिक में पढ़ा भी दिया है, अगर उसके मेंटल के साथ कनेक्ट नहीं हो रही, तो ये वो वाले बच्चे नहीं है आप और मैं जो ओए खड़ा हो जा बैठ जा, ये तो कहेंगे कि आई एम नॉट एंजॉयिंग, आई एम सॉरी, आई कांट कनेक्ट विद इट, आई डोंट रिलेट. एक उम्र तक वो खड़ा हो जाएगा आपके साथ मुसल्ले पे, एक उम्र तक वो आपके साथ चला जाएगा मस्जिद, एक उम्र पे वो कमरे से हो सकता है नीचे ही ना आए, बेसमेंट से हो सकता है ऊपर ही ना आए आपकी आवाज पे, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और सिस्टम उसको पूरा फ्रीडम और वो देता है.
तो 4 साल की उम्र से 5 साल की उम्र से घर का माहौल कैसा है, कितना उसको अल्लाह का तारुफ करवाया जा रहा है। अगर शुरू में वो बुनियाद डल गई, वो हमारे उस्ताद मिसाल देते हैं कि जब बेल कच्ची होती है प्लांट, तो उसको आप धागे धागा बांध के सीधा कर लेते हैं, लेकिन जब वो दरख्त बन जाता है फिर बड़ी मेहनत है, और तब भी चांसेस हैं, लेकिन जरूरी यह है कि शुरू से उसका एक तारुफ कुरान के साथ, कुरान की स्पिरिट के साथ। ये बच्चे लॉजिकल हैं, ये बहुत ब्राइट हैं, बड़े क्लीन हैं, इनमें हिपोक्रेसी नहीं है। जैसी जिस जगह पे हम बड़े हो रहे थे वो मिक्स प्लेट थी, ये बच्चे बड़े क्लीन हैं, ये झूठ नहीं बोलते हैं, ये साफ बात करते हैं, इनको कुरान इतना अच्छा समझ में आएगा, इतना अच्छा समझ में आएगा कि ये हमसे बेहतर रोल मॉडल बनेंगे। लेकिन माँ बाप को उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा सिस्टम है आसपास जो अपनी प्रीचिंग कर रहा है। आप ये मत समझेंगे सिर्फ दीन की प्रीचिंग होती है, हर चीज की प्रीचिंग हर वक्त हो रही होती है, प्रेशर आ रहा होता है, उसको पेयर प्रेशर कह लें, उसको मीडिया कह लें, उसको लाइफस्टाइल कह लें, उसको कल्चर कह लें। स्कूल कॉलेज में हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे का कच्चा जहन है। अगर उसको शुरू से पता होगा कि मैं आंसरेबल हूं अल्लाह को, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे एक लेगेसी मिली है अल्लाह की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसके लिए माँ बाप को मैं हैट्स ऑफ टू सलवा। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, अल्लाह का हाजिर जान के, कि मुझसे ज्यादा, क्योंकि मैं अक्सर बिजी होता हूँ ब्रॉडकास्ट में, खाने कमाने में के सिलसिले में, या तालीमात में, तदरीस में। सलवा जो है वो लैला के ऊपर ये हदीस याद करवाती है, ये आयत याद करवाती है, ये क्लास में, हमारी संडे क्लास में लेकर बैठती है। माँ का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। सो अगर माँ बाप, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अगर माँ बाप कंफ्यूज होंगे, उन्हें खुद नहीं पता कि हम कौन है, फॉर एग्जाम्पल कि हमने क्या बनना है, तो फिर बच्चा ऑटोमेटिकली जो सिस्टम उसको बनाएगा वो बन जाएगा। अगर माँ बाप को पता है कि हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम अल्लाह को जवाबदेह हैं, हमें आखिरत पर यकीन है, तो वो बच्चे के फ्यूचर की प्लानिंग के साथ साथ फ्यूचर में आखिरत भी ऐड कर लेंगे ऑटोमेटिकली। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे को घर से एक माहौल मिले और वो उसको टेकअप ना करे। कुरान इतनी अट्रैक्टिव, इतनी खूबसूरत, इतनी लॉजिकल, इतनी पावरफुल, फुल ऑफ विजडम किताब है, कि मैं जब मेरी बेटी, जो मेरी बड़ी बेटी है, और इस तरह बच्चे हमारी क्लास पे जब वो आयत बयान करते हैं, अल्लाह गवाह है मैं नोट्स बना रहा होता हूँ। कई दफा ऐसा हुआ है कि बच्चा आयत बयान कर रहा है हमारी क्लास में और मैं नोट्स लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने बिल्डिंग गिरा के दोबारा बनाई है, बच्चे की प्योर फाउंडेशन बनी है। तो आपको जवाब मिल गया होगा कि शुरू से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एंड दिस इज द टाइम। और अगर बड़े भी हो गए हैं तो डोंट वरी, घर के अंदर माहौल ले आए। कभी कभी आपको लगता है कि ये बच्चा बड़ा हो गया, ये अटेंशन नहीं दे रहा, लेकिन यकीन करें अगर माँ बाप की घर में तब्दीली आएगी, वो साथ बैठेंगे, बच्चा विल लाइक इट कि वी शुड सिट टुगेदर। वरना क्या होता है, इंटरेस्ट अपने अपने हो जाते हैं, बच्चे को मोबाइल फोन, प्ले स्टेशन, जिम, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया। अच्छा, माँ बाप की अपना एक लाइफ स्टाइल, दोस्त यार, पाकिस्तानी स्टाइल भी है, और कारोबारी जिंदगी भी लेकर चल रहे हैं, गैप आ जाता है। सो दिस इज वन थिंग विच विल कीप एवरीवन टुगेदर, कि यार बैठ के डिस्कशन करते हैं, और माँ बाप को थोड़ा सा, फिर अगर वो बड़े हो गए हैं तो फिर थोड़ा सा सॉफ्ट होकर उनके साथ एक रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल के हम बात कर सके आपस में। आई थिंक एनीथिंग इज पॉसिबल, अगर आप इंस्पायर हो जाएंगे तो आप बच्चे को इंस्पायर कर लेंगे। And also, ideally, if possible, practically speaking as well, that your child is school age, that they could go to Islamic school, because they have that daily environment, and even just things like they'll recognize Ramadan and Eid and all these things that, perhaps a normal public school won't, Boundaries, because it's, boundaries of boys and girls. That is very important yeah, too. lots, and the girls, they'll wear hijab. Even my 4-year-old asked why do girls have to wear a scarf. And I said, why don't you go and ask in the class? Because luckily we have this access to
you know, everyday class, and everybody, including kids, can go and ask questions. It's question and answer. And it's important that that the answers are given in an understandable, palatable, digestible way, like they were to me. You know, I was a grown-up when I discovered the Quran, and had my questions have not been answered in a way that someone like me could understand and digest and agree on, then I wouldn't have become a Muslim. So even if your kids are older, you can still address, you know, you can still bring them towards the Quran by addressing whatever their issues are, because Quran has a solution for every single problem of the human psyche, because human beings are the same inside after all. But ideally, if you can build them from the foundation up, then it's a lot easier. And with Lila, I have tried to make a schedule that the first thing she does in the morning is practice ayat or hadith, and the last thing actually, she does the first before thing sleep, first thing you've taught her to say salam alaikum. Well, yeah. That too. Say assalamu alaikum to Baba, assalamu alaikum to Mummy. Yeah, always enforcing manners. But I mean, a lot of people do that anyway. Of course. You know, there's a lot of good basics you can do anyway. Dusra, Badr Sahab, ek cheez aur jo dekhne mein aayi hai, jo maine experience kiya hai, jo bahut dangerous hai, wo hai selective deen. Hum deen mein selective hote hain, इसलिए वो रिजल्ट आते नहीं है, क्योंकि रिजल्ट तभी मिलते हैं अल्लाह के साथ जब हम 100% आते हैं, और शैतान हमें हमेशा डराता है कि शायद 100% जाने में पता नहीं हम क्या लूज कर जाएंगे. अल्लाह का साथ लूज करने के लिए नहीं है, गेन करने के लिए है. अल्लाह के साथ कभी आप लूज नहीं कर सकते. ये शैतान होता है जो अंदर से डरा रहा होता है, क्योंकि हम खुद इंस्पायर्ड नहीं होते, इसलिए हम बच्चों को भी इंस्पायर नहीं कर सकते. फिर वो सिर्फ जुम्मे की हद तक रह जाते हैं, फिर थोड़े बहुत रोजे रख लेंगे, या कभी आप बहुत कहेंगे तो नमाज पढ़ लेंगे. लेकिन अगर हम घर के अंदर होल हार्टेडली आएंगे तो बहुत अल्लाह इजी कर देगा. और वेस्ट हो या ईस्ट हो, अल्लाह हर जगह पे है, और अल्लाह का लॉ, पीस एंड मेंटल पीस एंड सोशल ऑर्डर एंड मेरिट सिस्टम, एवरीथिंग वर्क्स एवरीवेयर. वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट टू आवर चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन आर ब्यूटिफुल. They are so clean, they're pure, and I am inspired by these children growing up in the West. It's just that we need to communicate, we need to understand our deen first as parents, because parents are the role models, and we need to communicate. My teacher said to me that if when I was once asking about our one, that if you're serious, then she'll be serious. If you're non-serious, then she'll be non-serious. Simple si baat hai. However you take it, jitna hum serious honge, utna bachcha serious. The position that you give Quran in your life Ji. Is how they're going to, you know, see it too. Ji, brother bhai.